أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं आप सबका FEI अरबिक जूम मीटिंग में खैर मकदम करता हूँ। मैं आपका वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह का शुक्र है। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा है कि अल्लाह फरमाते मैंने यह कुरान मजीद अरबी जुबान में उतारा। इसका मतलब है जब अरबी जुबान में उतारा तो हमें सीधी सी बात है कि अरबी जुबान के बारे में जानकारी हासिल करनी। किसी भी जुबान का तब तक अहाता नहीं हो सकता है जब तक न उसके ग्रामर पर दस्तरस हो, और वो जुबान नामुकम्मल मानी जाती है जिसमें ग्रामर ना हो। इसलिए FEI एडमिनिस्ट्रेशन ने मुनासिब समझा कि हम एक मुख्तसर सा वीडियो बनाएंगे ग्रामर के बारे में। इसके कई वीडियोस बनेंगे, कई एपिसोड्स इसके बनेंगे, लेकिन मैं पहले ही वाजगाफ अल्फाज से मैं आप से गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो ग्रामर के वीडियोस हैं ये दारुलूम बच्चों जो दारुलूम में बच्चे पढ़ते उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के मेयार के मुताबिक है। मेरे कहने का मतलब है मेयार का। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं या जो दारुलूम के बगैर अरबी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते, क्योंकि दारुलूम में बहरहाल वहाँ सिर्फ यही काम होता है और वहाँ का मेयार बहुत आला होता है। अगर मैं उस अंदाज में उस मेयार में वीडियो बनाऊं, ये आम लड़कों आम लोगों के लिए सूदमंद साबित ना होगा, क्योंकि आम लोगों में अरबी की उतनी जानकारी नहीं होती है। बहरहाल मैं शुरुआत करता हूं। मैंने अपने स्कूल के दौर में जब मैं दारुल में पढ़ता था वहां मैंने अपने उस्ताद से सुना, मुझे याद है, और इसकी हकीकत कहां तक है वो अल्लाह जानता है, लेकिन हमारे जो ग्रामर मौली साहब थे वो फरमाया करते थे कि ग्रामर की इब्तिदा सहाबा के दौर से ही हुई है और हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजह ने इसकी इब्तिदा की है। और इस तरह से उन्होंने फरमाया अल कलिमतु मुश्तमिलुन अला सलासिन, यानी जो सेंटेंस होता है जुमला होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, अल इस्मु वल फ़ैलु वल हर्फ, इस्म फ़ैल और हर्फ। उसके बाद मैं सीधे ग्रामर पर आ जाऊं, कहां से अरबी ग्रामर की इब्तिदा होती है। अरबी ग्रामर की इब्तिदा कलमे से होती है, यानी और कलमा का मतलब क्या है, जो हम बात जुबान पर लाते, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस हो, यानी वो लफ्ज हो जिसका कुछ माना है। उर्दू वालों ने इसको इस तरह से किया, आप देख सकते हैं अरबी में कलमे की कलमे से अरबी की ग्रामर की शुरुआत होती है। उर्दू बहुत अरबी से बहुत जदीद है, उर्दू वालों ने उसको लफ्ज से लिया है और लफ्ज की दो किस्में बताई हैं, कलिमा और मोहम्मद। इसको
उर्दू वाले कहते हैं मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहते हैं, फिर कहते हैं लफ्ज़ के दो किस्में हैं, तहत आसमान या ना आसमान। लेकिन अरबी वाले ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लफ्ज़ जुबान पर क्यों ना हम अरबी वाले कहे कि हम जुबान पर ऐसा लफ्ज़ लाएं क्यों जिसमें माने ना हो। उर्दू वाले कहते चाय वाय, चाय को कहते कलमा और वाय को कहते वो हमें। अरबीदान कहते हैं कि हमें वो लफ्ज़ लाना ही नहीं जिसका माने ना हो, हमें मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल लफ्ज़ अपनी लफ्ज़ पर अपने इस जुबान पर लाना चाहिए। बहरहाल मैं ये बताऊं कलिमा यानी यहां शुरुआत होती है अरबी ग्रामर की, वो लफ्ज जिसके कुछ माने हो बामाना हो मुंह से निकले उसको कलिमा कहते। पांचवीं किस्म इस्म फ़ाल हर्फ एम मतलब गो इंसान यस से कथ करा कुन साथे जो भी जुबान पर लाता है बात तथ हकन तथ त्री चीज या तथ इसम या फ़ाल या हर्फ। फिर इसम की कई किस्म है, फ़ाल की कई किस्म है, हर्फ की कई किस्म है, मगर बुनियादी तौर तीन ही चीजें हो सकती है या इसम या फ़ाल या हर्फ। यहां देखो अब मैं इसकी तारीफ मैंने पहले बताया मैं उस अंदाज में करूंगा जो जो मैयार दारुलूम का होता है उस अंदाज में नहीं करूंगा, मैं उस अंदाज में करूंगा उस मैयार में करूंगा जो आम लड़का जो मुरवज्जा तालीम पढ़ता है स्कूल में जाता है तो उसी के जहन के मुताबिक ताकि वो समझ पाए। इस या इंग्लिश में नाउन वाना से जो जो इसम नाम जिसमें नाम का इजहार, और अरबी वाले कहते हैं इसकी डेफिनेशन में कि उसमें कोई जमाना जमाना ना हो उसको इस्म कहते हैं। फ़ाल वो कलमा है जो बामाना हो इसमें कोई जमाना पाया जाए कोई काम पाया जाए इसमें। फ़ाल वो कलमा है जिसमें काम पाया जाए और जमाने के साथ कोई काम पाया जाए। इसके बाद हर्फ, हर्फ कहते हैं जो इसको मिलाने का काम दे इस और फेल को मिलाने का काम। मस्त है मैंने लिखा का ताब तू बिल कलामी का ताब तू बिल कलामी का ताब तू। अब मैं पहले मीनिंग इसका लिखूंगा मैं ने कलम से लिखा। ठीक अब देखो इसमें क्या क्या बातें का तब तो यहां तक मैंने लिखा ये फेल माजी है मैं उसकी बात नहीं करूंगा मैं फिर आपको बताऊंगा इसमें काम हो रहा है लिहाजा ये फेल है। कलम कलम इसमें किसी चीज का नाम है। अब इसमें रहता है बी ये हरफ का काम देता है यानी ये इनको मिलाने का काम देता है। अगर हम लिखेंगे कातबुल कलम मैंने कलम लिखा गलत है जब तक हम बी लाए इस तरह से तो बा इसके साथ मिलेगा ये हरफी जार है इसका मान निकलता है फिर से हम ये लिखेंगे इस तरह से देखो कातबुल ये फेल है बी हरफ है ये हरफी जार में हरफ खाली लिखता हूं कलम ये इस्म है। ठीक क्या कातब तू बिल्कुल मैंने कलम से लिखा तो याद रखें आप इस्म जिसमें नाम का इजहार किसी चीज का नाम जिसका उर्दू में डेफिनेशन है तकरीबन तकरीबन अरबी में उस मिलती जुलती ये उसकी डेफिनेशन है। इसम जिसमें नाम हो फ़ाल जिसमें काम हो हर्फ जो इनको मिलाने का काम देता है ये मैंने आज या इस वीडियो में मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई जो इस कलमे की शुरुआत जो जो अरबी ग्रामर की शुरू होती है वो कलमे से होती है और फिर कलमे की तीन किस्में इसम फ़ाल हर्फ।
इसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में वो बात करेंगे। फिर इस्म, फ़ैल, हर्फ। इस्म इसमें ज्यादा किस्में नहीं है और ये समझना आसान है, और फ़ैल जो है ना, फ़ैल समझना बहुत मुश्किल। और ये कहा जाता है कि जैसा इंग्लिश वाले कहते हैं कि भाई जिसको वर्ब समझ आई तो वो पूरा ग्रामर समझ आया। तो इसके बाद हर्फ है, ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें मुश्किल है फ़ैल। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में फ़ैल के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।